ये दोस्तों आप देख रहे हैं नई नवेली इंदौर नई दिल्ली त्रिसाप्ताहिक ट्रेन का जो न्यूली इलेक्ट्रिफाइड जो रैक है वो, ये स्लीपर के कोच हैं। हम आपको पहले स्लीपर का कोच दिखाते हैं और फिर हम आपको जो इसमें एसी श्रेणी के कोच है वो आपको दिखाएंगे। दोस्तों इस बार खास बात ये है कि इसमें पहले फर्स्ट एसी लगाने की इसमें योजना नहीं थी, लेकिन अब इसमें फर्स्ट एसी भी जोड़ दिया गया है। तो अब इस तरह इस पूरी गाड़ी का जो रैक जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल जो है वो इंदौर नई दिल्ली जो इंटरसिटी चलती है वैसा हो गया है। ये देख सकते हैं आप इंदौर नई दिल्ली। ये दोस्तों आप 2022 में बना हुआ ये आप कोच देख रहे हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू कोच है, चमचमाता हुआ। ये टॉयलेट डस्टबिन है, फायर एक्सटिंग्विशर है। ये स्लीपर का कोच मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके जस्ट बाद दोस्तों हम लोग एसी के कोच में करेंगे एंटर। ये थर्ड एसी का कोच है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसी है ये गाड़ी। हालांकि अभी चूंकि इसकी एक ही दिन पहले बुकिंग चालू हुई है और तो आप देख सकते हैं अभी तो फिलहाल तो खाली है ये कोच, लेकिन पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये अब पूरी फुल पैक होके जाएगी गाड़ी। बहुत अच्छी चिलिंग है LHB की। ये देखिए बिल्कुल सजी सवरी नई ट्रेन है। तो इस बार इन्होंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए हैं, अब देखना होगा ये कब तक सलामत रहते हैं। सारे ही कोच मतलब एसी के तो कम से कम 2022 के ही दिख रहे हैं। ये यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों, इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी जो हैं वो यहाँ पे ट्रेन को रवाना करेंगे। सांसद जी बैठे हुए हैं और DRM विनीत गुप्ता संबोधित कर रहे हैं। यह एक नियमित ट्रेन की सुविधा प्रदान करेगी जिसकी काफी समय से मांग की जा रही थी। इस ट्रेन की समय सारणी इस तरह से बनाई गई है कि यात्री सिर्फ एक दिन के काम का दिल्ली जाकर अपना पैर रखे वापस आ सकता है। ये सेकंड एसी दोस्तों, इसमें कर्टन्स की सुविधा है। अब मैं आपको फर्स्ट एसी का कोच दिखा, ये मैं आपको दिखा। इसमें 2 सेकंड एसी है दोस्तों।
ये दोस्तों इसका फर्स्ट एसी, के साइड में स्टेयरकेस दी हुई है, काफ़ी पर्याप्त जगह होती है फर्स्ट एसी में, और ये सारे कैबिन बने हुए हैं। ये जनरल कोच है दोस्तों, और ये SLR, RC का Web 7 इसको लेके जा रहा है। दो को पायलट साहब तैयारी कर रहे हैं इंजन को ले जाने की।